हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज शिफाली हियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट कॉमर्स से हैं, उसके अलावा अगर आप किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर तब भी आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर कुछ कंफ्यूजन होती तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। सो प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन मार्केटिंग इन सिंपल टर्म्स इज़ एडजस्टिंग प्राइसेस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिटरमिनेंट्स। Price is the value one assigns to a good or service, which they determine by research. A pricing strategy considers market conditions, consumer willingness to pay, competition, trade margins, cost incurred, etc. Pricing involves setting a price for ownership and usage of goods. So, market में pricing strategy का बहुत important role होता है। जब भी market में कोई भी company अपने products का प्राइस सेट करती तो उससे पहले एक स्ट्रेटजी बनाती है और उसको ध्यान में रखकर ही वो प्राइसेस सेट करती है अपने प्रोडक्ट्स के, जिसके लिए उसे मार्केट रिसर्च करनी होती है और देखना होता है कि कॉम्पिटिटर्स ने कैसी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रखा है, कंज्यूमर्स कितने विलिंग हैं टू पे करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, ट्रेड मार्जिन क्या है और प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में क्या कॉस्ट आई। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वो अपने प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस जो हैं वो सेट करते हैं। सो प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग अ प्राइस फॉर ओनरशिप एंड यूसेज ऑफ गुड्स। तो जब भी कोई जो मैन्युफैक्चरर है और जो प्रोड्यूसर है, जब अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है तो उनको कितनी कॉस्ट लगी है और मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स के प्राइसेस सेट करे हैं और जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कितना पे कर सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर वो एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाता है। ओके, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट्स की, अपने कंपनी के जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस सेट करता है और कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी उसे फॉलो करनी चाहिए वो उस बेस पर ही ये डिसीज़न लेता है। ओके, अब प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं हम उनको यहाँ पर देखेंगे। ओके, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो पहली हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। With value-based pricing, you set your prices according to what consumer think or your product is worth. कोई भी consumer है वो आपके product को क्यों ख़रीदना चाहता है, उसकी value क्या है market में और consumers के लिए कितना willing है pay करने के लिए, इन सब base पर ही वो जो है उस product की pricing की जाती है। We are big fans of this pricing strategy for SaaS business. तो ये pricing strategy basically SaaS businesses में use की जाती है। आप सोच रहे होंगे SaaS businesses क्या होते हैं, तो SaaS is a basically abbreviation of software as a service. It is a way of delivering applications over the internet as a service. अब SaaS businesses में किस तरीके के products को include करते हैं हम, जैसे कि Google Workspace हो गया, Trello है, Zoom है, Zoom meetings होती हैं आपने देखा होगा, और DocuSign है, Slack है, Adobe Creative Cloud वगैरह है, तो वहाँ पर आपको इस तरह की pricing strategies use की जाती हैं। ओके, वहाँ पर वैल्यू की बेस पर ही जो है उनकी प्राइसिंग की जाती है। तो आपको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मीनिंग यहाँ पर क्लियर होगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है, कंज्यूमर ये देखने के बाद ही उसकी प्राइसिंग जो है पे करने के लिए सोचता है, तो उसी हिसाब से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्राइसिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की। सो व्हेन यू यूज़ अ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यू आर सेटिंग योर प्राइसेस बेस्ड ऑन व्हाट द कॉम्पिटिशन इज चार्जिंग। This can be a good strategy in the right circumstances, such as business just starting out, but it doesn't leave a lot of room for growth. तो basically competitive pricing strategy क्या होती है, जहाँ पर prices set किए जाते हैं competitions को देख कर, market में कैसा competition चल रहा है, other जो retail giants हैं उन्होंने किस तरीके की pricing रखी हुई है और मार्केट में अदर जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या प्राइसेस अपने प्रोडक्ट से रखे हुए हैं, उसको देख कर ही वो जो है कंपनी का जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो है रखता है। ओके, अब इसका एग्जांपल हम लेंगे तो अमेजॉन प्राइसिंग पॉलिसी हम देखते हैं। तो अमेजॉन प्राइसिंग ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट, द रिटेल जी एंड गैदर कॉम्पिटिटिव प्राइस इंटेलिजेंस एंड यूटिलाइज इट टू ऑफर द चीपेस्ट प्राइस इन द मार्केट। तो जब पूरी मार्केट में वो देख लेता है कि जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं वो किस तरीके के हैं, फिर उस
फिर उसी हिसाब से वो अदर प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन करके अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को रखता है, जिससे कि ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में क्या होता है, बेसिकली कंपटीशन को ध्यान में रखकर मार्केट में कैसे कॉम्पिटिटर्स ने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रखा है, क्या प्राइसेस सेट कर रखे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, इन सब की रिसर्च करके डाटा कलेक्ट करने के बाद जो प्राइसेस सेट किए जाते हैं उस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ओके, नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है प्राइस स्कीमिंग। इफ़ यू सेट योर प्राइसेस एज हाई एज द मार्केट विल पॉसिबली टॉलरेट एंड देन लोअर देम ओवर टाइम, यू विल बी यूजिंग द प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी। द गोल इज़ टू स्कीम द टॉप ऑफ द मार्केट एंड द लोअर प्राइसेस टू रीच एवरीवन एल्स विद द राइट प्रोडक्ट। इट कैन वर्क बट यू शुड बी वेरी कॉशियस यूजिंग इट। ये एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसे बहुत ही सोच समझ कर यूज़ किया जाता है, और जो बहुत ही टॉप और पॉपुलर ब्रांड्स हैं और कंपनीज़ हैं वो इस स्ट्रेटजी को बेसिकली फॉलो करती हैं और यूज़ करती हैं। तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है स्टार्ट में वो हाई रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है प्रोड्यूसर, और उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता है वो उनके प्राइसेस जो है कम करने लगता है। ओके, तो यहाँ पर पहले जो है प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई होते हैं और फिर धीरे धीरे उनके प्राइसेस जो है वो लोअर करता जाता है। ओके, अगर हम प्राइस स्कीमिंग के एग्जांपल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल आईफोन। एप्पल इज़ वेल नोन फॉर इट्स स्कीमिंग प्राइसिंग, वेयर एज अ न्यू आईफोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स प्राइस डिक्रीजेज ग्रेजुअली ओवर टाइम। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि जब भी कोई आईफोन लॉन्च होता है, आईफोन 14, 13 जब भी लॉन्च हुआ था तो उसके प्राइसेस कितने हाई थे और फिर धीरे धीरे उनके प्राइसेस जो है वो थोड़ा वो लोअर होते जाते हैं। तो ये इस तरीके से और भी बहुत से पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं वो भी कंपनीज हैं वो भी इस प्राइस स्कीमिंग को फॉलो करते हैं, जैसे कि सैमसंग है, नाइक है, एडिडास है, और भी कंपनी जो है वो इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ओके, तो प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है कि प्राइसेस के जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो स्टार्ट में हाई होते हैं और फिर टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे लोअर होते जाते हैं, जिससे और कंपनी जो और कंज्यूमर्स वो भी उस प्रोडक्ट को जो है यूज़ कर पाए, कंज्यूम कर पाए और ख़रीद पाए। ओके, तो आई होप आपको प्राइस स्कीमिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात की, जिसमें हमने पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, इन सब के बारे में जाना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं और इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप नेट के एग्ज़ाम में हों या फिर आप TGT PGT का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है। और भी अदर एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कुछ भी कंफ्यूजन होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।